नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि पता है कि कल जो है वाणिज्य विषय का अंतिम परिणाम आया था, और परिणाम आने के बाद में जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं और मेरे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे मेरी बात हुई, और जो बात हुई उसका जो सारांश निकला वो सारांश मैं आप लोगों के सामने संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। दोस्तों मेरे एक दोस्त है ओम प्रकाश जी पारीख, कॉमर्स के अंदर है, मेरे बहुत ही नज़दीकी दोस्त हैं और करीब जो है 5 या 6 महीने से वो मुझसे जुड़े हुए हैं। दोस्तों जो ग्रुप में अंदर जो लिस्ट बनी हुई थी, ग्रुप में जो लिस्ट बनी थी उनके उसके अनुसार उनकी रैंक जो थी 8वीं रैंक थी, और जब अंतिम परिणाम आया तो ओम प्रकाश जी की रैंक जो है 3 आ गई, मैं गलत बोल गया, ओम प्रकाश जी की रैंक 3rd आ गई। कल रात को जब परिणाम आया तो परिणाम आने के बाद उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके ये कहा कि कृष्ण कुमार जी आपका चैनल जीत गया है, आपके चैनल की जीत हो गई है। मैंने कहा सर कैसे? कि सर देखो आपके चैनल से मैं जो है लगातार 6 महीने से आपके चैनल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, और जो सुख और शांति आपको सुनने से मुझे मिलती है वो सुख और शांति मुझे कहीं नहीं मिलती। तो मैं ओम प्रकाश जी को मेरे YouTube चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो टॉप 10 के अंदर है, मतलब उनकी 3rd रैंक है, और उन्होंने मुझे मेरे चैनल का बहुत बहुत आभार जताया। और बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मेहनत करी है काफ़ी लोगों, सबसे इम्पोर्टेंट ओम प्रकाश जी ने मुझे ये कहा कि सर आपने क्रिटिकल समय हमारा निकाल दिया है, जो समय था प्रोविजनल से लेकर फाइनल परिणाम आने का वो समय आपने हमारा स्पेंड कर दिया, नहीं तो आपका चैनल नहीं होता तो हम ये समय कैसे निकालते। बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। और ओम प्रकाश जी से मेरी जो बात हुई उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि सर सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो ग्रुप में भी प्रेजेंट है ओम प्रकाश जी, उन्होंने मुझसे कहा कि सर जो कैंडिडेट से मैं बात कर रहा हूँ सभी कैंडिडेट अपने 8 से 7 नंबर 10 नंबर जो है इंक्रीज बढ़ा रहे हैं, तो ये ग्रुप सी के लिए जो है विशेष अच्छी बात है कि अभी तक के जो परिणाम आए हैं, चाहे वो गणित का परिणाम हो चाहे वो कॉमर्स का परिणाम हो, जो कैंडिडेट्स का फीडबैक आया है उस कैंडिडेट के फीडबैक के अनुसार जो है मार्क्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे ओम प्रकाश जी ग्रुप के लिस्ट के अनुसार 8वीं रैंक थी, लेकिन जो इनकी रैंक आई है अब इस समय रैंक बढ़कर जो है 3rd हो गई है, तो इनके मार्क्स निश्चित रूप से बढ़े हैं। तो ओम प्रकाश जी को मैं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव केमिस्ट्री के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और सभी जो आगामी परिणाम आएंगे उन आगामी परिणामों के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी सबसे मैं बधाई देना चाहता हूं। दोस्तों यदि मेरी ये न्यूज़ आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत आगामी शुभकामनाएं आपको, नमस्कार।